नहीं आते उसको हम कहेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है ठीक है यहाँ पे हमने एक पेपर को जो है पीस ऑफ पेपर को हमने फ्लेम के ऊपर रखा उसको बर्न किया बर्न होने के बाद जो है उसका वो एक न्यू सबस्ट उसका बना अब ये न्यू सब जो है फिर से वो पेपर नहीं बन सकते है. ठीक है इन सम केसेस इसिबल चेंजेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मटेरियल्स व्हिच मे बी डिजायरेबल अब कुछ केसेस में जो है इरिवर्सिबल चेंजेस के जो है उसका रिजल्ट जो है न्यू मटेरियल वो बन जाते हैं जो एक मतलब हम कहेंगे पसंदीदा जो है वो एक चेंजेस होता है ठीक है वेन यू बेग एम मिक्सचर ऑफ फ्लोर एक्स मिल्क शुगर एंड बटर यू गेट अ केक विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू मटेरियल एंड दिस काइंड ऑफ इ रिवर्सिबल चेंजेस डिजायरेबल अगर हम जो है यानि कौन सा मिक्सचर फ्लोर एग्स मिल्क शुगर बटर इन सब का मिक्सचर हम बनाएंगे फिर फिर हमें इनसे क्या मिलेगा एक केक जो है हमें इनसे बनेंगे ठीक है यानी एक न्यू मटेरियल जो है वो बनेंगे और इस काइंड के जो है मटेरियल जो है या इस काइंड के चेंजेस को जो है इस काइंड के इरिवर्सिबल चेंजेस को जो है हम कहेंगे डिजायरेबल चेंजेस है ठीक है यानी हम कहेंगे एक पसंदीदा चेंजेस है अब देखो वेन यू लिव योर बाइक आउट इन दॉन्ग टाइम इट गेट्स रश इट वर्सिबल एंड अनडिजायरेबल चेंज जब हम अपनी बाइक को जो है बाहर रखते है बहुत टाइम के लिए बाहर छोड़ के रखते है तो हमें पता है वहां पे जो है जंग लगा होगा किसकी मतलब, किसकी वजह से रेंस की वजह से कोल की वजह से और मतलब बहुत सी चीजें जो है इनके खराब हो गए होंगे ठीक है तो ऐसे इरिवर्सिबल रिवर्सिबल चेंजेस को हम कहेंगे अनडिजायरेबल चेंज अनडिजायरेबल चेंज हम किसे कहेंगे फिर नापसंदीदा जो एक चेंज होता है वो रहा आपका अनडिजायरेबल चेंज आप लोगों को समझ में आया इरिवर्सिबल रिवर्सिबल चेंजेस किसे कहते हैं वो चेंजेस जिसमें ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल जो है फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आते उन्हें हम कहेंगे इ रिवर्सिबल चेंजेस जैसे कि हमने रिवर्सिबल चेंजेस देखा उसमें जो है ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं चेंजेस के बाद उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल चेंजेस तो ये रहा आपका रिवर्सिबल और इ रिवर्सिबल चेंजेस आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे कल हम जो है चेंजेस ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटेरियल से आगे पढ़ेंगे थैंक यू खुदा